कमला तो पिछली बार भी लड़ी थी, अपना खुद का गांव उनका मछुआरा वही हार गई थी। उनको मेनका गांधी खुद ही लड़ा रही थी डेली, उनको जो सुनने में आप बाकी ईश्वर जाने क्या सही क्या गलत, डेली उनको 1,00,000 रुपया भी देती थी लड़ने के लिए। लम्बुआ विधानसभा एक जगह भोज था, विधायक जी भी गए थे, हम भी गए थे वहाँ। जिस तरीके से बदतमीजी उन्होंने की थी उसको पूरा यादव समाज जानता है। अब जो भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने मुझे अपना बना लिया, तो मेरा भी फर्ज है कि बस जो होना तो बीती बातें हो गई हैं, लेकिन अब वर्तमान भूत भविष्य सभी हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन दोबारा मैं 2012 से फिर से सपा में जाना चाहता था। पूरे पार्टी को, पूरे सिस्टम को खाली ठेकेदार और दलाल चला रहे हैं। जनप्रतिनिधि सबके पास दलाल है, सबका अपना सिस्टम है, हर विभाग में, हर ऑफिस में खाली दलाल चला रहे हैं। मेरा खुद का निर्णय था, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, ना मैंने किसी से कोई सलाह मशवरा भी नहीं किया था। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे चरण पे चुनाव होता जा रहा है, वैसी वैसी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। और हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर लोकसभा 38 की, जहां पर सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। ऐसे में जहां कल शाम को चंद्रभन सिंह सोनू, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं सुल्तानपुर से और कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं, और इससे पहले बीएसपी में भी रह चुके हैं, अब देखना यह है कि उन्होंने अचानक से सपा का दामन थाम लिया है, क्या रहा, क्यों, ऐसे में क्या बात रही जो कि अचानक 2 दिन मात्र चुनाव को रह गए हैं सुल्तानपुर के और आपने सपा ज्वाइन किया। जहाँ तक सपा में, तो मैं पहले भी रह चुका था, 2001 में मैं सपा में शामिल हूँ, 2002 में विधायक बना, 2007 में बना। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन दोबारा मैं 2012 से फिर से सपा में जाना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। अब जब जाके आदरणीय अखिलेश भैया का जब मन हुआ, तब उन्होंने मुझे सपा में शामिल करा है। 25 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, ऐसे में आज 22 तारीख है, इतने अनकरीब में ये फैसला? देखिए, जितने हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे जिस दल में हो, कांग्रेस में हो, सपा में हो, बसपा में हो, वो तो हमसे जुड़े भी हैं। जो हमारे व्यक्तिगत लोग हैं उनको कुछ बताना नहीं है, उनके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है। हम जहाँ जाएंगे सब हमारे साथ जाएंगे, जाने मतलब समाजवादी पार्टी में जा भी चुका हूँ, सब हमारे साथ जाएंगे। कल घर पे हमारी मीटिंग भी है 2 बजे। अब पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से समाजवादी पार्टी के पक्ष में, रामभुआल निषाद जी के पक्ष में मतदान कराया जाएगा, बाकी ईश्वर है। भाजपा में जैसे कि 2012 से आप बता रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा कि भाजपा में जाना चाहिए या फिर वहाँ से कोई ऑफर रहा? कि भाजपा में तो था ही, 2013 से 19 तक भाजपा में था। सबसे ज्वाइनिंग को लेकर के आपने सपा ज्वाइन कर लिया, इसको लेकर के आपने वरुण गांधी के चुनाव में भी मदद करी, उसके बाद से आप पीछे आ गए। तो भाजपा में था तो वरुण गांधी कैंडिडेट तो मदद तो करना ही था, जिसको पार्टी कैंडिडेट बनाएगी तो उसकी तो आदमी मदद करेगा ही। अब जैसा कि आपने सपा ज्वाइन करा, तो भाजपा के लिए क्या रहा, भाजपा भी ज्वाइन कर सकते थे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा सब समाजवादी पार्टी में जाने का मन था, मैं वहाँ पर रह चुका था, माननीय नेताजी थे, अखिलेश भैया थे, सब लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। देखिए, आदमी जहाँ से कोई शुरुआत करता है, जैसे पुराना घर था मेरा, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी मुझे छोड़ देना, लेकिन मैं जाना वहीं चाहता था। जैसे आपने सपा ज्वाइन किया, वैसे ही एक खबर आई कमला यादव ने भाजपा ज्वाइन किया। कमला तो पिछली बार भी लड़ी थी, उनको 12,000 वोट मिला था पूरे 5 विधानसभा में, अपना खुद का गांव उनका मछुआरा वही हार गई थी। उनको मेनका गांधी खुद ही लड़ा रही थी डेली, उनको जो सुनने में आप बाकी ईश्वर जाने क्या सही क्या गलत, डेली उनको 1,00,000 रुपया भी देती थी लड़ने के लिए। एक बार आपके विधायक जी के, हम लम्बुआ विधानसभा एक जगह भोज था, विधायक जी भी गए थे, हम भी गए थे वहाँ। जिस तरीके से बदतमीजी उन्होंने की थी उसको पूरा यादव समाज जानता है। वहाँ के जितने बुजुर्ग थे वो खुद ही मतलब उन्होंने मतलब बवाल होने से बचा लिया, तो हम लोग तो खुद ही वहाँ से हट गए थे। जैसे पिछली बार आप प्रत्याशी रहे, आपके सामने के प्रत्याशी मेनका गांधी रहे, इस बार भी प्रत्याशी मेनका गांधी हैं सुल्तानपुर से, अब क्या लग रहा है 14,000 का अंतर आएगा पिछली बार का या कुछ? जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो पब्लिक का दिख रहा है अंतर बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। देखिए, कोई मेहनत तो कोई कुछ किया नहीं है, खाली पूरे पार्टी को, पूरे सिस्टम को खाली ठेकेदार और दलाल चला रहे हैं।
हर जितने भी जनप्रतिनिधि सबके पास दलाल हैं, सबका अपना सिस्टम है, हर विभाग में हर ऑफिस में खाली दलाल चला रहे हैं, बाकी यहाँ किसी विधायक का कोई मतलब है नहीं। इससे पहले आप सपा में रहे, पीस पार्टी में रहे, बीएसपी में रहे, आप सपा में फिर वापस आए, आगे क्या है फिर? अभी चुनाव के बाद से आप कन्फर्म होगी? अब यहीं रहना है, आजीवन यहीं रहना है। अब राजनीति इसी पे ही है? यहीं रहेगी। अब जो भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने मुझे अपना बना लिया, तो मेरा भी फर्ज है कि बस जो होना तो बीती बातें हो गई हैं, लेकिन अब वर्तमान भूत भविष्य सब यही है। अभी जब रामभुवाल निषाद टिकट उनको मिला था, इससे पहले भीम निषाद को टिकट मिला था, और ये कहना आया था उधर से आपके प्रतिद्वंदी, अगर मान लीजिए भाजपा से, कि इस बार जो प्रत्याशी है वो अपराधी किस्म का नहीं है, इस तरीके का बयान आया था। अब देखिए उनका अपना विचार है कि कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है, अब बड़े लोग अपना खुद तय करते हैं, उसमें हम क्या बोल रहे हैं। 2024 को लेकर के जैसा कि बस दो दिन रह गया है अब चुनाव को, ऐसे में आगे आपके जैसे भाई हैं मोनू सिंह, फिर और किसी चुनाव में भी, 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद 2027 है, आपके भाई भी राजनीति में हैं, क्या इसके बाद किसी और राजनीति की तैयारी है किसी और? कौन सी तैयारी, पार्टी में रह के पार्टी की मदद की जाएगी, ईमानदारी से रहा जाएगा, मेहनत की जाएगी, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदरणीय अखिलेश भैया का काम है, जो करना है उनको करना है, कोई हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, जब जो कहेंगे वही उनके आदेश का पालन होगा। आगे चुनाव लड़ने को लेकर के आदेश तो आएगा, लेकिन निर्णय उनको करना है, बड़े हैं, गार्जियन भी हैं, जो भी उनका निर्णय को मान्य होगा। ये किसी अपना खुद का फैसला रहा सपा में जाने का, या फिर आपसी जैसे कि राजा भैया हुए आपके करीबी रहे, पिताजी से भी करीबी रहे, कुछ राजनीति पे चर्चा होके हुआ, या आपकी की मंशा रही? मेरा खुद का निर्णय था, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, ना मैंने किसी से कोई सलाह मशवरा भी नहीं किया था, क्योंकि मैं शुरू से रह चुका था, यहीं रहना भी चाहता था। ये थे हमारे साथ चंद्रभान सिंह उर्फ सोनू सिंह, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं सुल्तानपुर से, इसौली से, और आगे की राजनीति में क्या दो दिन के बाद होता है, क्या जनता का मन है, ये तो मतदाता मत करने के बाद ही बताएंगे। सुल्तानपुर की ताजपोशी किसके सर होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। योगेश यादव के साथ नफीस खान, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।